बंदरों का आतंक है यहाँ पर। आ जाओ बड़ा बंदर है, बड़ा वाला। कोई बंदा आ जाए। नो बाप रे, यहाँ देख भाई हमको डर बढ़ना हो। वाह इतना खतरनाक है। माँ साहब चलो, आय गजब, कितनी बड़ी बिल्डिंग, कितनी पुरानी है, बहुत ही पुराने समय की है। अंग्रेजों के समय की होती थी ना, वैसी ही है ये भी, तो उसी समय की होगी ये। देखो कितना बड़ा मकान है, बंगला जैसा है। गाइज मैं रानीखेत में ताड़ीखेत ब्लॉक में हूँ अभी। ये सामने गांव है, तोड़ा गांव। देखिए काफ़ी खूबसूरत नई बस्ती दिखाई दे रही है यहाँ पर, और आसमान में देखो बादल लगे हुए हैं, धूप आई हुई है, बारिश नहीं हो रही है यहाँ पर एक दो दिन से, हल्की बूंदाबांदी तो हुई। तो यहाँ पर सभी, यहाँ पर जो लोग रहते हैं बंदरों से बहुत परेशान हैं, बंदरों ने दुखी कर दिया है। और ये देखो बंदर, बंदरों से डरे हैं सब लोग, बंदरों ने परेशान करके रखा है यहाँ। गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल बिनसर 0.। हाँ गाइज, तो अभी मैं हूँ ताड़ी खेत में। ये देखिए ताड़ी खेत जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ का व्यू है। और हमें मिल गए हैं यहाँ पर माँ साहब। ये देखिए सर जी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए माँ साहब से भी मुलाकात हो गई है। थोड़ा भी थोड़ा घूमने के लिए जाते हैं यहाँ ऊपर, धार में जाते हैं। धार अपनी फेवरेट जगह है यहाँ पर। और इधर जो इंटर करके निकलेंगे। हे गाइज वेलकम बैक टू, अभी बज गए हैं सुबह के 9। गाइज मैं अभी जा रहा हूँ अल्मोड़ा और अपने गांव। तो यहाँ पर बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही है रुक रुक के। तो ये है ताड़ी खेत का व्यू, ये सामने आप देख सकते हैं बादल ही बादल। ऊपर है माल रोड रानी खेत, और यहाँ पर पूरा जंगल है ये गाइज, काफ़ी खूबसूरत। अभी सुबह का टाइम है, बहुत सारे मंदिरों में यहाँ पर पूजा हो रही है। तो गाइज काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से देखने को मिल रहा है। ताड़ी खेत पहुँच गया हूँ अभी, यह है ताड़ी खेत। बंदर ही बंदर है, अभी बात है। ये देखो बंदर है वो। गाइज मैं पहुँच गया हूँ अभी कोसी, और यहाँ पर पानी का धारा है, बहुत अच्छा पानी यहाँ पर मिलता है। ए गाइज अभी मैं पहुंच गया हूं अल्मोड़ा, और ये सामने है अल्मोड़ा शहर, और अभी यहां हो रही है बारिश। और यहां पर राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग का कार्यालय अल्मोड़ा है यहां पर। तो गाइज अल्मोड़ा पहुंच गया हूं मैं अभी। तो अभी हल्की हल्की बारिश तो लगी है, तो काफ़ी यहां ऊपर साइड में जंगल है, देखो कितना घना जंगल है, पूरी हरियाली हरियाली हो रखी है। बारिश लग गई, बारिश अभी बारिश लगी हुई है, मतलब इतनी तेज़ हो रही कि भीग जाएंगे। तो अभी छतरी खोल दी है मैंने। तो गाइज मैं पहुंच गया हूं अल्मोड़ा, और अल्मोड़े से जो व्यू दिखाई दे रहा है हम आपको दिखा रहे हैं, और जो व्यू दिख रहा है कुछ प्रकार से है। पहुंच गया हूँ किरोड़ा, यहाँ का नाम है किरोड़ा, ये मेरे गांव के नज़दीक पे है। और देखिए यहाँ कितनी ज़मीन है, देखो पूरा यहाँ से लेके वहाँ, वहाँ से लेके वहाँ तक बहुत ही ज़मीन है यहाँ पर। तो पहले यहाँ आलू सब्जियाँ होते थे 1980-90 के टाइम पे, और अभी देखो पूरी बंजर है ज़मीन। तो किसी ने ख़रीदी थी ये वाइल्ड लाइफ की वजह से, यहाँ पर वो अभी रिजॉर्ट नहीं बना सकता है। तो ये जगह अभी आप देख सकते हैं, पूरा घना जंगल है। और ये है मेरे गांव का रास्ता है, ये रास्ते में जाना होता है, और ऐसे जंगल के अंदर जाके और फिर उधर जाके मेरा गांव पड़ता है। यहाँ से नीचे उतर के ये रास्ता है मेरे घर के लिए,
तो अभी तो बारिश नहीं हो रही है, मौसम अभी ठीक हो गया है। अभी दिन में तो आज बहुत ही बारिश हुई रानीखेत से जब मैं अल्मोड़ा आ रहा था, तो और नीचे भी बहुत बारिश हो रही थी। ये देखो अभी अपने गांव पहुंच गया हूं दलाड़ में, और देखिए कितनी गर्मी हो रखी है यहां पर। धूप लगी है ना, दिन के बजे हैं 2, तो हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही है, तो ठीक हो रहा है ज़रा मौसम, लेकिन धूप देखिए कितनी तगड़ी है। खाना बनाने के लिए लकड़ियां भी सुखा दी हैं, क्योंकि आजकल लकड़ियां जलती नहीं है आसानी से। और ये हैं छिलके, ये देखो पुस्सी को मिल गया है शिकार, ये तितली को मार रही है, देखो कितनी तेज हो रखी है। क्या खा रहा है? ले माँ बेटी साथ हैं, माँ बेटी को शिकार करना सिखा रही है। देखो बिल्कुल आवाज नहीं हो रही है पाँव की। उसको मारने के चक्कर में तेरा मगन